Assalamualaikum, I am Numan हफीज़ uh, I am a mechanical engineer from Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences. I cleared CSS written in 2019. So, टू थाउजेंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी के मतलब और uh, आज हम देखेंगे इस वीडियो में एक तो ये कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी सब्जेक्ट है क्या uh, इसके कंटेंट्स क्या हैं और हम इसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंपलसरी में से वाद नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है और नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट होने की वजह से इसके अंदर स्कोर करना एक आ, इजी भी है लेकिन एक टेक्निकल भी है और इसका जो स्कोर है वो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है फोर्टी से लेकर एटी तक अब इसके अंदर ये टेक्निकल इस तरह है कि हमारे पास जितनी भी नेचुरल साइंस की फील्ड्स हैं ये तकरीबन सब को थोड़ा थोड़ा टच कर जाता है जिसके अंदर हमारे पास फिज़िक्स है कंप्यूटर साइंस है बायोलॉजिकल साइंसेस है इन्वामेंटल साइंस है एस्ट्रोनॉमी है केमिस्ट्री है और मेनली मैथमेटिक्स है फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एंड एनालिटिकल रीजनिंग है इस वजह से जो कि नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर uh, काफ़ी अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं कि मैक्सिमम uh, जो ज़्यादा नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सेवेंटी प्लस में चले जाते हैं लेकिन इसका जो नुकसान है वो है सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर फोटी से फिफ्टी फाइव के दरमियान लाई करते हैं अब इस वजह से इसका डिफरेंस इस तरह क्रिएट होता है कि जब एलोकेशन की बारी आती है और एलोकेशन का टाइम आता है उसके अंदर ये जो 25 से 30 मार्क्स का गैप है ये आप ये एक अच्छा ग्रुप भी कॉस्ट कर सकता है और और अगर सिचुएशन इस तरह की है तो ये एलोकेशन भी कॉस्ट कर सकता है इसलिए ख़ास तौर पे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट की इंपॉटेंस बहुत ज़्यादा है और नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इसकी इंपॉटेंस इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि करंट अफेयर पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका रिजल्ट बनता है और कैम्यूलेटिवली जनरल नॉलेज के जो तीन सब्जेक्ट्स हैं उनको पास करना होता है तो ये उनको उसके अंदर हेल्प आउट कर लेता है तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको ओ, किस तरह पढ़ेंगे और इसके जो दोनों पोर्शन हैं जिसके अंदर एक जनरल नॉलेज है फर्स्ट पोर्शन और एक जनरल एबिलिटी है सेकंड पोर्शन इसको हम किस तरह कवर करेंगे अच्छा तो आ, हम इसको देखेंगे लेक्चर वाइज और वीकली तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम कवर करेंगे इसके एस्ट्रोनॉमी पार्ट को एस्ट्रोनॉमी पार्ट प्लस प्रोसेसेस ऑफ नेचर इसके अंदर आ, अब इसके अंदर आ, हम देखेंगे यूनिवर्स क्या है यूनिवर्स किस तरह बनी जिसके अंदर बिग बैंग थ्योरी है गैलेक्सीज़ किस तरह आई हमारी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे है वो क्या है हम फिर अपने सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके बाद हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो मूवमेंट है जो चेंज जो प्रोसेस चल रहे हैं कॉन्टीन्यूस उसके अंदर हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोलर है, ल्यूनर एक्लिप्स है ये वेदर वेरिएशन है डे नाइट की चेंजिंग है वो किस तरह हो रही है उसकी हम साइंटिफिक बेसिस पढ़ेंगे इसके बाद आ जाता है लेक्चर टू इसके अंदर ये बेसिकली सारा पार्ट चल रहा है उसके फर्स्ट सेक्शन का फिजिकल साइंसेस। सो so, तो लेक्चर टू में हम फिजिकल साइंसेस के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे वो है नेचुरल हैजर्ड्स नेचुरल हैजर्ड्स कौन से हैं इसके अंदर अर्थक्वेक है इसकी इसके ऑर्गेनिक है फ्लड्स है वाइल्ड है तो हम देखेंगे उसके कॉजे क्या हैं इफेक्ट्स क्या हैं और उसकी मिटिगेशन की टेक्निक्स क्या हैं और मेनली इसके अंदर हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इस तरह भी पढ़ेंगे कि हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर एंड डी एम मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किस तरह काम कर रही है और इन सारी नेशनल मिटिगेशन हैजर्स मिटिगेशन का पाकिस्तान के हवाले से क्या ताल्लुक है इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर थ्री लेक्चर थ्री में हम स्टडी करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंसेज़ है जिसके अंदर केमिस्ट्री है केमिस्ट्री है और इस केमिस्ट्री में होगा क्या डिफरेंट मटेरियल्स हैं फिर है फिर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है और फिर हमारे पास है रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिसके अंदर लाइट है और ये सारी चीज़ें इस तरह हम इस तीन लेक्चर्स में हम जनरल साइंस का जो फर्स्ट पोर्शन है फिजिकल साइंसिस हम उसको कवर करेंगे अब है सेकंड जो सेकंड पोर्शन है इसका जनरल साइंस का उसको हम कवर करेंगे वो है बायोलॉजिकल साइंसिस तो बायोलॉजिकल साइंस में हम पहले लेक्चर बायोलॉजिकल साइंसिस के पहले लेक्चर में जो कि हो रहा लेक्चर फोर है उसके अंदर हम बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस स्टडी करेंगे उसके अंदर है सेल है और किंगडम uh, है या uh, ये लिविंग uh, थिंग्स की डिवीजन है हम इसकी डिवीजन किस तरह करते हैं वो सारी चीज़ें उसका एक इंट्रो लेंगे जिसके अंदर एनिमल किंगडम है uh, एनिमल uh, किंगडम है प्लांट किंगडम है और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसकी डिवीजन किस तरह होती है जिसके अंदर आ, म, ये सारी स्पीशीज़ वग़ैरह वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं इसके बाद लेक्चर फाइव है ये एक्सक्लूसिवली होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स है उसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि इस वर्किंग में लिवर है ब्रेन है पेंक्रियाज़ है और इस तरह जो बाकी चीज़ें हैं तो ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ये लेक्चर फाइव एक पूरा कवर करेंगे और इसके बाद आता है लेक्चर सिक्स लेक्चर सिक्स में हम एक्सक्लूसिवली स्टडी करेंगे डिजीज़ uh, को और ये बायोलॉजिकल साइंसेस में ये सबसे इम्पोर्टेंट uh, हमारे पास टॉपिक है जिसके अंदर से uh, जिसके अंदर हमेशा पास्ट पेपर में पाँच से दस नंबर का क्वेश्चन जरूर आते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में तो इस तरह इन तीन लेक्चर्स में हम बायोलॉजिकल को ख़त्म करेंगे इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन थर्ड सेक्शन ऑफ जनरल साइंस जो कि है इन्वायरमेंट अब इन्वायरमेंट में इस सेक्शन में ये दो लेक्चर्स में हम ये इन्वायेंट वाला सेक्शन कवर करेंगे इसके अंदर जो है लेक्चर सेवन लेक्चर सेवन में हम इन्वायरमेंट के बिल्कुल बेसिक्स इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे वो है क्या जिसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाता है फिर इसके बाद इसके अलावा और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर अर्थ क्रस्ट आ जाता है और इसके बाद डिफरेंट इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं जिस तरह टंडरा है रेन फॉरेस्ट हैं वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम ये इन्वायरमेंट में ये इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे लेक्चर सेवन में इस तरह आ जाता है लेक्चर एट लेक्चर एट में हम स्टडी करेंगे पोल्यूशन को एक्सक्लूसिवली पोल्यूशन को और इसकी जो थ्री मेन टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है फिर है हमारे पास वाटर पोल्यूशन और फिर है लैंड और और इन सब के साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इन सब की क्या सिचुएशन है और इसके साथ साथ हम जो चीज़ हम स्टडी करेंगे इसके साथ वो आती है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्योंकि ये करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर uh, उससे भी रिलेटेड है लेकिन इसके अंदर हम इसकी साइंटिफिक बेसिस या नेचुरल साइंस का परस्पेक्टिव जो क्लाइमेट uh, चेंज पे है वो स्टडी करेंगे इस तरह ये दो लेक्चर्स में हमारा इन्वामेंट वाला पार्ट कवर होगा इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है वो आता है फूड साइंस का ये बेसिकली वन लेक्चर पोर्शन है फूड साइंस है ये भी इम्पोर्टेंट लेकिन हम इसको दो लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि एक टॉपिक वो है जो बायोलॉजिकल साइंस में हमने छोड़ा था और वो जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि वो फूड साइंस और बायोलॉजिकल साइंस वो ओवरलैप करते हैं तो उसको हम फ़ूड साइंस से पढ़ेंगे क्योंकि बेसिकली वो फूड साइंस से रिलेटेड है वो है लेक्चर uh, नाइन में हम पढ़ेंगे बायो बायोमालिक्यूल्स में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं तो ये सारी चीज़ें हैं तो ये बायो ये इन्ज़म्स हैं तो बायोमालिक्यूल्स में हम उन दोनों का पर्सपेक्टिव लेंगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी लेंगे और फूड साइंस के हवाले से उसका पर्सपेक्टिव भी लेंगे और इसके बाद एक, एक्सक्लूसिवली फूड साइंस पे लेक्चर टेन है इसके अंदर फूड प्रजर्वेशन है फूड अडल्ट्रेशन है फूड सिक्योरिटी है तो ये सारी चीज़ें हम इसको जो है ना हम ये इस एक लेक्चर में स्टडी करेंगे फूड प्रज़र्वेशन की क्या टेक्निक्स हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन किस तरह फूड के हवाले से आ, उन्होंने तरक्की की है सिविलाइजेशन तो so, इसके बाद हमारे पास पाँचवा और जनरल साइंस का आखिरी पोर्शन वो आता है वो आता है हमारे पास आईटी से रिलेटेड आईटी, ये भी हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे लेक्चर अलेवन में हम देखेंगे आईटी की बेसिक्स कि, आ, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर है कंप्यूटर है आई ओ ऑपरेट ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और किस तरह कंप्यूटर, और फिर इंटरनेट है और इसको हम इसकी और फिर इसको हम सिर्फ इसको स्टडी नहीं करेंगे इसकी हम डेवलपमेंट भी स्टडी करेंगे कि किस तरह डिफरेंट इराज में आईटी में क्या क्या तरक्की होती गई और आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इस तरह फिर लेक्चर ट्वेल्व जो कि इसका एक आखिरी लेक्चर जनरल साइंस पोर्शन का आखिरी लेक्चर होगा इसके अंदर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न और एक्सक्लूसिवली एआई को हम स्टडी करेंगे मॉडर्न uh, जो आज की हमारे पास uh, जो सिस्टम्स हैं और जो आईटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन uh, सिस्टम्स हैं वो स्टडी करेंगे uh, फिर इसके बाद जीपीएस है मोबाइल है uh, ये सैटेलाइट है तो इसका हम uh, इसका हम देखेंगे कि एक तो ये पर्सपेक्टिव uh, ये चीज़ लेंगे कि ये डेवलप किस तरह हुई दूसरा इसके अंदर कौन से नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल लॉज हम यूज़ करें बेसिकली ये फिज़िक्स का पोर्शन है तो उसको हम देख रहे हैं और उसके बाद आ, इन इनका फ्यूचर क्या है एआई से रिलेटेड तो आ, और ये क्योंकि आजकल भी एआई और डिजिटल डिक्टेटरशिप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रही हैं तो उसका भी हम इसके अंदर एक सारी चीज़ लेंगे तो इस तरह ये बारह लेक्चर्स में हम जनरल साइंस का पूरा पोर्शन कवर करेंगे अब आ जाता है सेकंड पोर्शन वो है जनरल एबिलिटी और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो उन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जनरल एबिलिटी है अब जनरल एबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये है मैक्सिमम ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है और और इसमें से फोटी मार्क्स का पेपर आएगा अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस फोर्टी में से हम अच्छी प्रपरीशन के साथ अच्छी प्रपरीशन के साथ और अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम इसमें फोर्टी में से फोर्टी स्कोर कर सकते हैं अब अच्छी प्रपरीशन है जिसके अंदर अच्छी प्रपरेशन ये नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम दें क्योंकि ऑब्वियसली अगर फोर्टी नंबर हैं तो ये बारह सौ में से फोर्टी नंबर फोर्टी मार्क्स तो ये ये लेस देन फाइव परसेंट बनता है लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो कम टाइम में ये फोर्टी में से फोर्टी नंबर हम ग्रैब कर सकते हैं तो पहले हम इसका सिलेबस दे, इसका देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो सिलेबस तो इसका जो लेक्चर वन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स की बेसिस क्या है ये मैं बात कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ प्योर सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर उनके लिए क्योंकि नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स स्टूरेंट, को शायद ये मैथमेटिक्स की बेसिस की ज़रूरत ना हो लेकिन सोशल साइंस क्योंकि वो मैट्रिक या एफएससी के बाद काफ़ी अस्से से वो कट ऑफ होते हैं तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर हम बेसिक डेसिमल्स फिर फ्रैक्शंस को हैंडल करना Uh, किस तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को तो ज़रूरत नहीं होगी लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ की ज़रूरत होगी फिर हम स्टडी uh, करेंगे बेसिक अलजबरा बेसिकलबरा में कि किस तरह हम वेरिएबल्स को यूज़ करके निकाल रहे हैं फिर इसके अंदर हम स्टडी करेंगे uh, ये इक्वेशन सॉल्विंग तो और इसको हम एक प्योर टेक्निकल तरीके से और स्मार्ट वर्क तरीके से कवर करेंगे ये एक लेक्चर में हम इन सब को स्टडी करेंगे उसके बाद इन सब पे तकरीबन फिफ्टीन से ट्वेंटी क्वेश्चंस की वर्कशीट होगी और ये एक वीक के अंदर हम ये सारी वर्कशीट कवर करेंगे ताकि हम इस सब चीज़ को अच्छी तरह एसिमिलेट कर सकें इस तरह ये हमारे पास इस एक लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा और बेसिक मैथमेटिक्स से सवाल आ रहे हैं जैक जैसे अगर हम ये 2020 का देखें तो एक बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ तो है तो इसलिए इन रूल्स को रिवाइज़ करना ज़रूरी है हाँ इसके अंदर एक और चीज़ ये है पावर सॉल्विंग के जो पावर्स में है उनका सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल टेन पावर ट्वेंटी प्लस प्लस टेन पावर सिक्स तो इसको हम किस तरह करेंगे ठीक है तो इन सब चीज़ों को हम सॉल्व करना देख रहे होंगे मतलब इसके अंदर टेन पावर ट्वेंटी है तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी तो इस तरह हम ये वाली सारी चीज़ें इन पावर सॉल्विंग के हिसाब से देख रहे होंगे बेसिक uh, मैथमेटिक्स के बाद हम लेक्चर टू वो उसके बाद जो हमारे लेक्चर्स हैं हम स्पेसिफिक हो जाएंगे अपने टॉपिक्स के हिसाब से वो सारे जो चीज़ें आ रही होती हैं जो लेक्चर टू होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे परसेंटेज प्लस रेशो एंड प्रोपोर्शन अब इस चीज़ को जब हम कवर करेंगे तो ये स्पेशल इस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे कि हम हमारे पास जितने भी सवाल हैं पेपर के वो हम सॉल्व कर रहे हों ठीक है और इसके बाद जो लेक्चर थ्री है लेक्चर थ्री में हम चले जाएंगे जियोमेट्री ज्योमेट्री कि किस तरह जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट कर रही होती है जिसके अंदर हमारे पास एक टेंगल हैं वगैरह उन सब के बेसिक्स बिल्कुल बेसिक स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फिगर्स ताकि हम इसको देख रहे हो और इनका इनको करने का तरीका भी वही होगा वीकली एक लेक्चर है उसके अंदर फिर वर्कशीट्स हैं हर वीक हर टॉपिक पे एक एक वर्कशीट सॉल्व की जाए और उसकी प्रैक्टिस की जाए और उसको चेक करवाया जाए ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह एसिमिलेट हो जाए उसके बाद जो अगले दो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर लेक्चर फाइव लेक्चर फाइव में हम कवर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में हम देखेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या है और क्वेश्चन को किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे और और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उसी वर्कशीट के साथ सी uh, एस में यही देखा गया कि कुछ सवाल ज़्यादातर सवाल लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं और फिर इसके अंदर हम इसके साथ साथ सेट्स भी डिस्कस करेंगे वैन डायाग्राम एट्सेट्रा क्योंकि वो इसके साथ ही लाइक like करेंगे हमारे पास क्या कि तरह लॉजिक से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस के बाद एक इसके बाद जो हमारे पास होगा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर फाइव वो हम करेंगे जनरल टेक्निक्स जनरल टेक्निक्स हैं जिसके अंदर कोडिंग डी कोडिंग है फिर इसके बाद डायरेक्शन सॉल्विंग है तो इस तरह और फिर इसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम लॉजिकल रीजनिंग प्लस इस लेक्चर फाइव इन दोनों को मिला कर ये सारे क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे होंगे इसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर सिक्स इसके अंदर हम करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली है तो प्रैक्टिस है हम इसमें इसके अंदर स्टडी करेंगे कि हम सॉल्व करें हमारे पास टेक्निक्स क्या हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकें जो इस्टेब्लिश टेक्निक्स हैं इस्टेब्लिश टेक्निक स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिफरेंट जो हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती हैं उसको हम जो स्टडी करेंगे तो इस तरह ये हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तकरीबन छः लेक्चर्स ये बारह लेक्चर्स वो एटीन लेक्चर्स में